please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिण दिल्ली में निर्माण के लिए पेड़ काटने पर 4 जुलाई तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है। दक्षिण दिल्ली के सरोजनी नगर और नौरोजी नगर में सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुमंजिला इमारतें एनबीसीसी बना रही है। इसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसका विरोध किया गया है। सुनवाई के दौरान एनबीसीसी ने दावा किया कि उन्हें पेड़ काटने की एनजीटी से मंजूरी मिल गई है और इसके बाद अगली सुनवाई के दौरान एलजीटी के आदेश को पेश करने की बात कही गई है। हरियाणा के फतेहाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मंच से नीचे उतरते हुए एक पति पत्नी को इशारा करके अपने पास बुलाने लगे। ये दोनों अपने बेटे की खुदकुशी के बाद पुलिस के रवैये से नाराज थे और अपनी शिकायत सीएम तक पहुंचाने के लिए उनके राहगीरी कार्यक्रम में पहुंच गए और सीएम खट्टर की ओर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सीएम के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें नीचे ही रोक लिया। इसके बाद रोते हुए दोनों लोग सीएम से मिलने की गुहार करने लगे। इस बीच सभी का ध्यान इन दोनों लोगों की तरफ गया और जब सीएम खट्टर ने इन्हें देखा तो स्टेज से नीचे उतरते समय इन्हें मिलने के लिए बुला लिया। पीड़ित दंपति के मुताबिक उनके बेटे ने अपने सुसाइड नोट में एक फाइनेंसर को अपनी मौत की वजह बताया था, लेकिन पुलिस ने इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे बेटे की सुनवाई नहीं हुई थी, क्या हो गया आपके बेटे को? मेरे बेटे ने सुसाइड किया। पीड़ित दंपति का आरोपी के इस मामले में FIR दर्ज किए जाने के बाद भी अब तक आरोपी से पूछताछ नहीं हुई। आज कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज के खिताब का विमोचन है, लेकिन इससे पहले न्यूज 18 से खास बातचीत में एक बार फिर सैफुद्दीन सोज ने कश्मीर में हथियार उठाने वाले युवाओं से बातचीत की वकालत की। साथ ही सैफुद्दीन सोज ने दावा किया कि इनके खिताब में कुछ भी विवादास्पद नहीं है। कश्मीर और पाकिस्तान भारत के संबंधों पर किताब नई आने वाली है। सैफुद्दीन सोज साहब हमारे साथ हैं। सैफुद्दीन सोज साहब, ये किताब बहुत कंट्रोवर्सी में फंस गई। कंट्रोवर्शियल बात कोई नहीं है, इसका नैरेटिव जो है वो हिंदुस्तान के लोगों और पाकिस्तान के लोगों, वहाँ की आर्मी, यहाँ की आर्मी, जितने पैरा फोर्सेस हैं उनको उससे राहत पैदा होगी। मैं दरमियान का रास्ता बता रहा हूँ जिससे दोनों मुल्कों को राहत होगी। मैं दरमियान में खड़ा हूँ भाई। गोलीबारी के बजाय कश्मीर की समस्या पर बात करने की जरूरत है। मुशर्रफ, वाजपेयी, मनमोहन सिंह, इस रास्ते पर मुशर्रफ ने सरतोड़ कोशिश की। वही मुशर्रफ थे ना जिन्होंने भारत पे हमला किया था। उन्हीं मुशर्रफ की जब आप बार बार बात करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को बुरा लगता है। नहीं, बुरा लगेगा जिसको लगे, मगर मैं, मेरी बात सुनिए। मुशर्रफ जाग गया था, जंग का रास्ता नहीं है, अमन का रास्ता खुला है। जो पाकिस्तान के पास है कब्जे में कश्मीर, वो हिंदुस्तान में वापस आना चाहिए कि नहीं? सोच साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। उसके लिए यहाँ की सरकार और यहाँ का नेशनल अपोजिशन जो है, सारी जमातें अपने हम सोचे, उनको थोड़े ही मेरे साथ मशवरा करना, वो मजाज है कहने के लिए। मगर मैं बचे थे शहरी ये कहने में समझता हूँ, दोनों मुल्कों के लोगों को राहत हो जाएगी भाई। गोलीबारी से कोई मसला हल नहीं होता।